वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से हाल ही में नो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जो कुल मिलाकर 60 पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा या बीटेक दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बंदा अगर डिप्लोमा किया वो भी अप्लाई कर सकता है, या बीटेक किया वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसकी लास्ट डेट जो है 1 जनवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। और सैलरी भी बहुत ही बेहतरीन है, जो कि 50,000 पर महीना है। PSU है, मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब ही है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका रिटेन प्लस इंटरव्यू है। सो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखना। और साथ ही साथ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो जॉब्स ट्यूबर है उसे सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन जो दिखेगा उसे प्रेस कर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर रोज़ गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर आपको हर रोज़ अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अब मैं नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ। और अगर इसे कहा जाए तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जो कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 12 दिसंबर 2020 को। ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है 1 जनवरी 2021 है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेस्ड पर इसका सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एजड क्राइटेरिया हुआ है कि आपकी उम्र 20 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, कि 20 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे डेट्स भी दिया है कि आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1985 के बाद होनी चाहिए, और साथ ही साथ 31 दिसंबर 1985 के बाद और 31 दिसंबर 2000 से पहले, इन दोनों के बीच ही आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 20 से 35 साल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गौर करने की, आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, पर यहाँ पर रेगुलराइज्ड पोस्ट है, क्योंकि इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही आपको 3 साल लेंगे और फिर बाद में एक्सटेंड करेंगे 2 साल के बाद, उसके बाद रेगुलराइज करेंगे, क्योंकि आपको आगे चल कर बताता हूँ। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ यहाँ पर पोस्टों की बात करूं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं सबसे ज़्यादा पोस्ट यहां पर सिविल सीनियर एग्जीक्यूटिव सिविल वालों के लिए ज़्यादा पोस्ट है। यहां पर पूरे कुल मिलाकर 53 पोस्ट है। और साथ ही साथ यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहां पर मांगा गया है फ्रेंड्स। ये आप ध्यान से रख लिए, जो बंदा डिप्लोमा का कंप्लीट करे या बीटेक कंप्लीट कर जो 2 साल किसी एजेंसी या थोड़े बहुत छोटे मोटे कंपनी में अगर सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वर्क्स कर लेगा, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा हो या बीटेक वो कंप्लीट करने का 2 साल उसका वर्क एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, सिविल वालों के लिए 53 पोस्ट है। और साथ ही साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव SNT सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के वालों के लिए 3 पोस्टों की भर्ती के लिए है, कुल मिलाकर 3 और पूरे अनरिजर्व्ड। यहाँ सिविल की बात करूँ तो कुल मिलाकर 53 थे, और SNT वालों के लिए 3 पोस्ट है, और इनके लिए यहाँ पर डिप्लोमा या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे भी एलिजिबल है, कंप्यूटर एंड साइंस वाले बंदे भी एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी एक इस स्ट्रीम में अगर आप डिप्लोमा या बीटेक करें वो एलिजिबल है। और इसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस पूछा गया जो आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा या बीटेक। और साथ ही साथ मैं इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूं तो फ्रेंड्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल ये 2 पोस्ट है, पूरे अनरिजर्व्ड है। और साथ ही साथ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या एंड कम्युनिकेशन 2 में से कोई सी एक, मतलब आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, असिस्टेंट मैनेजर का भी पोस्ट है, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस पूछा गया, जो कि किसी एक में डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका BSc होनी चाहिए जो नॉन टेक्निकल है,
और साथ ही साथ आपका 4 साल एक्सपीरियंस किसी एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड को से भी कोई डाटा एंट्री जॉब आपका 4 साल के साथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव जनरल जो है वो 2 पोस्ट है, और साथ ही साथ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपका डिग्री होनी चाहिए 2 साल की और साथ ही साथ सॉरी आपकी 3 साल की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये भी कुल मिलाकर 2 पोस्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन भी दिया गया है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट द सर्विसेज में बी कंसिडर्ड फॉर रेगुलराइजेशन, मतलब आपके सर्विसेज रेगुलराइज्ड होंगे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद, मतलब पहले 3 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और फिर बाद में एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल आपके वर्क बेसिस पर और फिर पूरी तरह से रेगुलराइज होगा, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब ही कह सकते हैं। अगर मैं इस जॉब की अगर जॉब प्रोफाइल की बात करूँ ये तो ये है इसके जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़, ये शायद अभी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको सबसे पहले तो आपको जॉब कमा लेना है, फिर बाद में आप नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ लेना है इसी नोटिफिकेशन में होंगे, उसके बेसिस पर आप जॉब के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जॉब क्रैक करना इम्पोर्टेंट है, मतलब जॉब हासिल करना इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स ये जॉब में डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, 53 पोस्टों के लिए सिविल वाले एलिजिबल है, फिर बाद में 3 पोस्टों के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है, और साथ ही साथ 2 पोस्टों के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है, और उन 30 पोस्ट जो मैं आपको SNT में बताया उसमें कंप्यूटर साइंस एंड IT वाले भी एलिजिबल है जो डिप्लोमा या BTech किया, और साथ ही साथ दो पोस्ट और 1 पोस्ट शायद डिग्री वालों के लिए भी है जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस या 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस हुआ हो। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस का रहेगा, फर्स्ट रिटन टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। और मैं रिटन टेस्ट के बारे में बात करूँ तो आपको जो टेक्निकल पोस्ट है उनमें आपको तकरीबन टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे, और जो नॉन टेक्निकल है उसमें सिर्फ टेक्निकल जो है उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे जो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, और साथ ही साथ एप्टीट्यूड क्वेश्चन जैसे कि रीजनिंग एप्टीट्यूड और GK से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे पेपर पैटर्न, और नॉन टेक्निकल वालों के लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड GS अगर पूछा जाए तो कोई दूसरे से पूछ सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए एज पर दी क्राइटेरिया के हिसाब से उनका भी एज रिलैक्सेशन है। और डेट ऑफ CBT आपको बाद में NHSCRL वेबसाइट में आपको डेट ऑफ CBT एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर पैटर्न पेपर के बारे में तो कुछ नहीं दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कौन से पेपर में कौन से सेक्शंस रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन सा कितने मार्क्स के लिए रहेंगे जैसे, पर मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न यही है कि जो टेक्निकल जो सिविल में अप्लाई किए या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बंदे अप्लाई किए उन्हें सबसे ज़्यादा वेटेज आप उन लोगों को टेक्निकल सेक्शन से आएंगे मार्क्स, और उसके साथ साथ आपको जनरल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग या इंग्लिश के से भी आप उन लोगों को क्वेश्चन आएंगे। जो नॉन टेक्निकल जो डिग्री वाले अप्लाई किए 3 पोस्टों के लिए उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग GS और साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे उन्हें। सो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।